वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मनाली से दिल्ली की अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं, हमने अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया है कार में। जस्ट हमारे पास एक दो छोटे मोटे बैग थे, वो हम लेके और हम निकल रहे हैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सो मैं बोल रही कि एक दो दिन और एक्सटेंड कर लो, बट नहीं कर सकते यार, ऑफिस भी जाना है और फिर जाके एक दो दिन रेस्ट करता है बंदा, फिर रिलैक्स होता है, फिर अपना माइंड फ्रेश होकर काम पे बैठ पाता है, वरना फिर वरना थक के आ रहे होंगे, फिर एक आध दिन की और छुट्टी लेंगे, तो वो नहीं करना चाहते। ये देखो बाहर दिखाता हूँ आपको ना, कल ना पूरी रात बारिश आई है इन पीक्स के ऊपर ना, इन वाले के ऊपर से कुछ आइस भी नहीं थी, इन वाले के ऊपर तो कोई आइस नहीं थी, वहाँ कहीं जाके दिख रही थी, बट आज सारा ढका हुआ है आइस में और मौसम भी एकदम ऑसम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो हम निकलते हैं भाई। जब से हम ना यहाँ आए हैं डेली नज़ारे चेंज होते हैं। कल पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पर, कल पूरी रात बारिश हुई है और आज यहाँ पे नज़ारे अलग हैं। पूरी जहाँ पर आइस नहीं थी, आइस तो कहीं पर भी नहीं थी, बट अब देखो माउंटेन्स के ऊपर ना क्लाउड्स आ रखे हैं, पूरा फॉगी हो रखा है, पूरी वैली भी फॉगी लग रही है पूरी। ऑसम यार, ऑसम, बहुत मज़ा किया है यहाँ पर। अब चलते हैं। कल यार गाड़ी भी स्किट कर रही थी, कल दो जगह गाड़ी गंदी वाली स्किट की। हम नगर मार्केट से निकल के ना अब हम आ गए हैं कुल्लू वाले रोड पे, मतलब कुल्लू की तरफ जा रहा है ये वाला टेरेन। फर्स्ट विजिट है ये वाला हमारा इस वाले रोड पे नहीं आए हम। माउंटेन्स तो अच्छे दिख रहे हैं ना, वाइट स्नो हो रखे भाई। कल ना पूरी रात बारिश हुई है, नगर तक बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है। हम लोग कल आए थे तब मनाली तक बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ी सी कम हो रही थी, ड्रिजलिंग तो हमें मिली है मनाली से आगे तक, नगर तक ही मिली है हमें कल जब आए थे तो। बट उसके बाद फिर एक घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो गई, पूरी रात बारिश आई है, सुबह मॉर्निंग में 7:30-8 बजे तक बारिश आई है। उसके बाद ये नज़ारे हैं, ये नज़ारे, व्यू ही चेंज हो गया भाई बारिश आने के बाद ना, फील चेंज हो गया बिल्कुल ही। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऑसम हो रहा है मौसम। हम अभी इधर से आ रहे थे, इधर से हम आए हैं, इधर हमें जाना है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ हम रुके हैं इस व्यू के लिए। ये व्यू अच्छा लग रहा था, खुला सा एरिया, सारे माउंटेन्स नज़र आ रहे थे। देखो भाई गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी परफॉर्म अच्छी कर रही है, कोई इशू नहीं है, कोई लैग नहीं है, जितनी गाड़ी की कैपेबिलिटी है ना उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम आ चुके हैं हाईवे पे और ये रास्ता जाता है कसौल की तरफ और दिल्ली की तरफ। तो प्लान में ना थोड़ा सा चेंज आया, सौम्या बोल रही है कि कसौल चलो, मैं तो मना कर रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए। 1 आवर का डिस्टेंस है,
तो यार क्यों नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, ओनली 1 आवर का है। भाई हम लोग नाश्ता पानी करके ना निकल पड़े हैं। हम निकल पड़े हैं कहाँ के लिए? कसौल के लिए। और हम जा रहे हैं हॉट वाटर मणिकरण। हम जा रहे हैं मणिकरण। पहले हम मणिकरण जाएंगे, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर देखेंगे, वही है ना? हाँ। वो देखेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। हम लोग एकदम कंफर्टेबली चल रहे हैं, मौसम ठीक नहीं है। रोड तो बहुत अच्छे हैं, रोड बहुत अच्छे हैं, मगर रोड बहुत अच्छे हैं इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है ड्राइविंग पे, मगर बारिश हो रही है। गाइज आप ट्रैफिक देखिए, दिमाग ख़राब ही हो गया यहाँ के फिर, बट निकल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्या पता लैंडस्लाइड वगैरह हुआ हो। भाई ये पूरा ट्रैफिक लग रहा था इस ट्रक की वजह से, पूरा ट्रैफिक लग रहा था, पीछे भी लग रहा था। इतना पतला रास्ता है, यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे। गाइज ये यहाँ का लोकल फूड है सिड्डू, बहुत ही टेस्टी और यम होता है, मैंने लिया हुआ है यहाँ से। ट्रैफिक लग गया भाई यहाँ पर। यहाँ पे एक मंदिर है, मेरा नज़ारे देखो आप। पूरे ना स्काई एडवेंचर वाला टेरेन नहीं है, थोड़ा सा रास्ता ही ख़राब है, बट वैसे रोड तो सही है, अभी तक तो सारा सही था। बिल्कुल छोटे मोटे पैचेज हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पर। भाई हम आ गए, मणिकरण आ गए हैं, ऊपर गाड़ी पार्किंग में लगा के नीचे जा रहे हैं वो मंदिर के अंदर। यहाँ पे आ रहा है गर्म पानी, गर्म पानी की वजह से ना ये स्मोक गर्म पानी की वजह से निकल रहा है सारा, ये सारा गर्म पानी। और यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 2 डिग्री,
2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर, और इधर हो रहा पानी गर्म, गर्म पानी में धुआं निकल रहा है। ये देखो स्मोक हो रही है पूरी। इधर से दिखाऊं, इधर से देखो, यहाँ से वो उस साइड से दिखाया था, अभी इस साइड से जा रहा था। अब ये देखो जा रहा पानी, स्पीड में जा रहा है बहुत। और ये ब्रिज, ये ब्रिज है, और ये अंदर मंदिर है। ऊपर माउंटेन्स, ऊपर पीक्स पे आइस भी है, स्नो हो रखी है। चलो मंदिर चलते हैं, आगे चलते हैं अंदर। इसमें से निकलते हैं ऐसे, छोटी सी केव है, इसमें से ना गर्म पानी आता रहता है आकाश। नीचे जा रहे हैं गर्म पानी की तरफ। ये है शिव मंदिर। जय भगवान। बोले बाबा जी के दर्शन कर लिए, और ये यहाँ पर मंदिर के साइड में रेलिंग लगी हुई है, यहाँ से ही मणिकरण से निकल चुके हैं दर्शन करके। टाइम हो रहा है अब 6:20, यानी कि इवनिंग के 6:30 बजने वाले हैं। हाँ, अंधेरा देखिए। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। बहुत ट्रैफिक हो रहा है यहाँ के हाईवे पे, ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज्यादा। ये यहाँ की मार्केट, हम निकल रहे थे, यहाँ ट्रैफिक हो रहा है। ये कैफे है, गाने आने चल रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है काफी। ये हमारा फर्स्ट टोल आया है, जो कि टोल फ्री है, चल तो नहीं रहा है। ये मंडी से पहले आई है, मंडी यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 40 किलोमीटर दूर है। भाई अभी देख रहे हो हाईवे पे कितनी तकड़ी फॉग हो रही है, नज़र में नहीं आ रहा। गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड पे। अब देखो अब एकदम से क्लियर हो गई पूरी, छोड़ दिया हो किसी ने, पूरी क्लियर हो गई। अरे ना पंजाब, पंजाब वाले रास्ते पे हम अभी चंडीगढ़ पहुँचे नहीं है। चंडीगढ़ ऑलमोस्ट अभी 200 किलोमीटर होएगा, 200 और 190 के आसपास, 180 के आसपास होएगा अभी भी। बट देखो फिर दोबारा से फॉग आ गई, देखो आ रही है। ये क्या है यार, ये देखो पूरी अचानक से आती है, अचानक से क्लियर। अभी क्लियर हो गई थी,
फिर आ गई ध्यान से जाना भाई, ये देखो कहीं पे ख़त्म हो जाते फिर दोबारा हो गया। पूरा रास्ता ना फॉग ही चल रहा है, इस टाइम फॉग ही चल रहा है पूरा, तो नज़र कड़ा के देख के चलना पड़ेगा। लो बीम पे ऐसा दिख रहा है और हाई बीम पे ऐसा दिख रहा है, लो भी नहीं कर सकते हैं। आराम आराम से चल रहे हैं एकदम, बहुत ज्यादा आराम से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है। भाई 3 बज रहे हैं रात के, 3:05 हो रहे हैं, 3:05 AM, और यहाँ पे ना चंडीगढ़ में भाई इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है, मेरे को तो ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर हो गए होंगे मैं इस बस के पीछे चला रहा हूँ, और नॉर्मली कंफर्टेबली चल रहे हैं बिल्कुल 40 पे 30 पे। भाई टाइम हो रहा है 7:15 मॉर्निंग में, 7:15 पूरे रास्ते का नाइट फॉग मिली है, चंडीगढ़ से लेके करनाल की तरफ जा रहे हैं हम। गाड़ी कर दी है पार्किंग में खड़ी, आप सामान निकाल के बस ऊपर जाएंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बताना आपको मनाली सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।